KSN 24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानिशी और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको प्रबंधन के सहयोग से दृष्टिहीन और श्रवणबाधित युवाओं के लिए राज्य का पहला कौशल प्रशिक्षण केंद्र वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड कोरबा में प्रारंभ किया गया। दिव्य ज्योति स्कूल के प्रांगण में निर्मित वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड का अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा और बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निर्देशक अभिजीत पति द्वारा लोकार्पण किया गया। वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड का संचालन इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी द्वारा की जाएगी। इस केंद्र में दिव्यांग युवा ब्यूटिशियन, हॉस्पिटेलिटी, कंप्यूटर और सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बनेंगे। इस अवसर पर दिव्य ज्योति स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। बालको के CEO अभिजीत पति ने मीडिया को बताया कि बालको की मदद से इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी दिव्यांगों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रही है। बालको CEO ने कहा कि बालको आगे भी इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी को आर्थिक मदद करती रहेगी। हम आपको बता दें कि बालको ने दिव्य ज्योति छात्रावास परिसर में 50 बच्चों के रहने के लिए साल 2007 से 8 में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण किराया है। स्कूल में अध्ययनरत मुख बधिर और दृष्टिहीन विद्यार्थियों को उनके स्कूल तक पहुँचाने और वहाँ से वापस लाने के लिए वाहन संचालन की व्यवस्था भी बालको की ओर से की गई है। बालको प्रबंधन के सहयोग से बने कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर के बारे में इनर व्हील एजुकेशन सोसाइटी की सदस्यता एवं दिव्य ज्योति स्कूल की प्रचारिया रीता खेत्रपाल ने कहा कि दिव्यांग युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में वेदांता कॉलेज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर डेफ एंड ब्लाइंड महत्वपूर्ण साबित होगा, उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। इस अवसर पर प्राचार्य ने बालको प्रबंधन को सहयोग के लिए दिल खोलकर तारीफ की। दिव्यांग बच्चों के लिए प्रदेश में बहुत आवश्यकता थी इस लाइवलीहुड कॉलेज की, और इसी ऐसा सोच के ही हमने इसको आरंभ कराया, क्योंकि हमको 22 साल हो गए हैं काम करते, और 12वीं क्लास के बाद हमारे 10 बैच निकल गए हैं, और निकलने के बाद हमने देखा वो बच्चे कहीं पे भी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से जुड़ नहीं पा रहे, क्योंकि उनके पास रोजगार स्किल नहीं था कोई। तो ऐसा सोचते हुए हमने स्किल कॉलेज का आरंभ करने का सोचा। क्या क्या ट्रेड यहाँ पे, किस तरह? हम टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, आतिथ्य और कंप्यूटर डाटा एंट्री एंड प्रोग्रामिंग, और साथ में स्किन एंड हेयर केयर, ये चार स्ट्रीम में हम लोग अभी काम करेंगे। इस तरह की स्किल डेवलपमेंट के बाद बच्चों के जो आने वाले फ्यूचर हैं कितने हो रहे हैं, स्टेबल रहेंगे? जब ये काम सीख लेंगे, कोई भी स्किल इनमें आएगी, हुनर आएगा, तो एक तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, और रोजगार मिलेगा, और कमाना शुरू करेंगे। जब वो कमाना शुरू करेंगे तो हम समझेंगे कि मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, ये हमारा मेन टारगेट है। वेदांता बालको हमेशा आप लोगों को हेल्प कर रहा है, ये एक इतना बड़ा गिफ्ट और मिला है, इसको किस इनर विलेज एजुकेशन सोसाइटी तो आज एकदम असीम प्रसन्नता है उसको, और बहुत अपनी ये प्रसन्नता को कैसे प्रकट करें समझ नहीं पा रही है। तो हम वेदांता के प्रति बहुत आभारी है, क्योंकि वेदांता ने हमको हर कदम पे साथ दिया है, एजुकेशन पे, इनके रहने के लिए छात्रावास की व्यवस्था, विशेषकर बालिकाओं के लिए उन्होंने हमें बहुत सारी सुविधा दी, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी वही दे रहे हैं हमको, हम बच्चों को लाना ले जाना भी उन्हीं की मदद से ही कर पा रहे। तो वेदांता का हम शुक्रिया शब्द बोल के एक छोटा सा शब्द नहीं बोलना चाहते, पर हमारे मन के जो भाव है वो उनके प्रति बहुत आभार है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रचेष्टा है, इसके लिए वेदांत डेफिनेटली आभार है इंस्टीट्यूशन के ऊपर जिसमें मौका मिला। ये नोबेल कॉज को आगे ले जाने के लिए वेदांत का तरफ से जितना रिसोर्स चाहिए उतना रिसोर्स का प्रयोग हो, और इसको और कैसे उन्नत स्तर में इसको लेके जाएं, वो हिसाब से भी हम बातचीत करेंगे। लाइवलीहुड और स्किल डेवलपमेंट में कितना कारगर रहेगा तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का आज कॉलेज को उद्घाटन? लाइवलीहुड इसी का हदर है कि पहले तो एक डिसेबल्ड
पर्सन को एबल करना है वो जरूरी है, उसके बाद लाइवलीहुड आता है। तो लाइवलीहुड के आधार में आपको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे हम इंटीग्रेशन दें, मार्केट इंटीग्रेशन, धीरे धीरे इसको कैसे सक्षम करें और कोई भी प्रतिष्ठान के साथ युक्त होकर इसको कैसे लाइवलीहुड का एक शक्त रोहन करें, वो हिसाब से देखना पड़ेगा। अनूप बदर बच्चों ने आपके सामने प्रस्तुति दी है, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अद्भुत फीलिंग है। मुझे तो लगा नहीं है कोई डिसेबल बच्चे ने प्रोग्राम दे रहा है, मुझे लगा वो नॉर्मल बच्चे ने प्रोग्राम दे रहा है। हमको तो लगता है कि ये लोग बाकी बहुत। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।